तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं चार्ट्स में, चार्ट्स में हम बात करेंगे कॉलम चार्ट्स की। तो हम गूगल शीट के चार्ट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, चार्ट इंसर्ट होता है। तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल अपने गूगल शीट अपने डेटा और डेटा की प्रॉपर्टी की तरफ से आपको एक चार्ट दे देगा जो कि जनरली कॉलम चार्ट ही होता है। हमने पिछली क्लासेस में आपको जितने भी चार्ट्स होते हैं और कस्टमाइज में जो डिटेल होते हैं उसकी चार्ट की सेटिंग होती है उसके बारे में बात की थी, बस मैंने ओवरव्यू दिया था। अब हम थोड़ी डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं। तो चार्ट जब लगता है तो आपको डेटा के हिसाब से अपने आप एक चार्ट सजेस्ट कर देता है, लेकिन आप अपने हिसाब से चार्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है तो पाई चार्ट में कन्वर्ट, मुझे इसको बार चार्ट में कन्वर्ट करना है बार में हो जाएगा, लाइन में हो जाता है लाइन में हो जाता है। अब बात करते हैं कि कब कौन सा चार्ट यूज करेंगे। देखिए इससे कोई नियम तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजें इतनी चीजें हैं जिसकी कंपेयरिंग करना आपको ज्यादा और कम की कंपेयरिंग करनी तो उसके लिए हम कॉलम चार्ट लेते हैं, बार चार्ट भी लेते हैं। कब जो डेटा आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होता है उस केस में हम बार चार्ट लेते हैं। तो दोनों जो है कंपेयर करने के लिए यूज होता है। पाई चार्ट का यू जी 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 नंबर अगर क्या होगा कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ माइनस कर दिया 58 तो इस तरह से नीचे चला आता है। तो ए कॉलम चार्ट में थोड़ा सा ऑड होता है, बट बार चार्ट में वो लेफ्ट राइट के फॉर्मेट में दिखाता है। जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े थे ना उस तरह से। उसके बाद शेयरिंग जो है पाई चार्ट जो होता है शेयर के लिए, कितना परसेंट किसका क्या है वो शेयर निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए हम पाई चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फ्लो, जब फ्लो देखना होता है हमारा तो हम लाइन चार्ट का, जैसे मान लीजिए कि 1 महीने का सेल है और सेल्स का फ्लो देखना है तो वहां पे हम लाइन चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पे डे बाय डे कंपेयरिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब बड़ा डेटा होता है तो पता चल जाता है कि हमारा जो लाइन है वो लाइन से कितना ऊपर कितना नीचे जा रहा है, इजिली समझ में आता है। एरिया चार्ट भी थोड़ा सा और अच्छा कराने के लिए, तो एरिया चार्ट जैसे लगे वही चार्ट होता है, बाकी चार्ट्स को यूज भी उसी तरह से हम करते हैं। तो चलिए हम पहले हम कॉलम चार्ट को आज पढ़ेंगे, एक दिन में एक चार्ट, ठीक है सर। कॉलम चार्ट लेते हैं तो चार्ट को अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं, क्लिक कीजिए उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसको उठा के कहीं मूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की तरह। ओके सिंपल मूवेल होता है। अब इस पे अगर किस चार्ट के अंदर कोई चेंज करना है तो ऐसे चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ जब कर्सर करेंगे तो चार्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जैसे कि जैन महीने का 85 सेल है, फरवरी का 98 सेल है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन माउस पॉइंटर में ऑटो सजेशन के रूप में मिलेगा। इसमें तीन डॉट आपको दिख रहेंगे, तीन डॉट में यहाँ पे एडिट चार्ट, डिलीट चार्ट, डाउनलोड करना चाहते हैं उसको पीडीएफ में या पीएनजी में, पब्लिश चार्ट, चार्ट अगर मान लीजिए शेयर है आपका किसी फाइल वगैरह तो पास कर सकते पब्लिश कर सकते हैं, कॉपी करना, मूव करना एक सीट से दूसरे सीट, अल्ट करना ताकि कर्सर जाने पे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन वगैरह पता कर सके, ठीक है सर। तो ये तीन डॉट में आता है, लेकिन जैसे डबल क्लिक करते हैं या एडिट चार्ट करते हैं साइड में एक स्लाइडर आता है जिसका होता है चार्ट एडिटर, उसमें दो आपको मिलेंगे टैब, पहला मिलेगा आपको सेटअप, दूसरा मिलेगा कस्टमाइज। सेटअप के अंदर में आप जो है चार्ट के टाइप चेंज कर सकते हैं, स्टैकिंग मतलब कि 100% ये अलग चीजें बताऊंगा बारे में, ठीक है। और यहाँ पे आप एक्सेस वगैरह चेंज कर सकते हैं, ये भी जब मेरे पास मल्टीपल जब होता है ना उसमें इसका यूज होता है, वो आगे बताएंगे आपको। और यहाँ पे कैलकुलेशन, जैसे यहाँ पे सेल्स है ना मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सेल्स का आ जाता है सीरीज के अंदर। तो अगर मान लीजिए कभी कभी गलती हो जाता है कि मंथ को कोई डेट वगैरह जब डालते हैं तो डेट जो है सीरीज में चला जाता है तो उठा कर ड्रॉप कर सकते हैं, तो आगे इसके बारे में बताऊंगा आपको। यहाँ स्विच कर सकते हैं इस तरह से,
ये भी आपको जब डेटा ज़्यादा कॉलम होता है तो इस्तेमाल करेंगे, तो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आपका डेटा रेंज है कि चार्ट आपका कहाँ पे है, आगे बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते, कोई और अंदर रेंज चेंज कर सकते, तो यहाँ से रेंज होता है। तो सेटअप के बाद हम बात करते हैं कस्टमाइज। कस्टमाइज में सबसे पहले आता है चार्ट का स्टाइल। जो चार्ट बना है इसका क्या स्टाइल होना चाहिए? देखिए चार्ट के बेसिकली जो है दो तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है प्लॉट एरिया, चार्ट एरिया, सीरीज एरिया। तो ये जो है आपका चार्ट स्टाइल चार्ट के चार्ट एरिया पर, जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर बैकग्राउंड को मैं अगर मान लीजिए चेंज करता हूँ तो चार्ट का पूरा बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, चार्ट एरिया चेंज हो रहा है। फॉन्ट वाला फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, चार्ट का बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, उसको तो 3D में डाल सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मतलब बड़ा हो जाएगा स्पेस, इसको फालतू स्पेस नहीं रहेगा। कंपेयर मोड सर यहाँ पे नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, लग रहा है इससे रिलेटेड डेटा नहीं है इसमें। यह था चार्ट की टाइटल। चार्ट के टाइटल में चार्ट के टाइटल यहाँ डाल सकते हैं, चार्ट का टाइटल आपको यहाँ दिख रहा होगा, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, इसको अरेंज कर सकते हो कि कहाँ होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको सब टाइटल डालना हो नीचे, अगर जैसे कि हमने यहाँ पे 2022 डाल दिया तो ये आपका सब टाइटल आएगा, और सब टाइटल को भी अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, उसकी भी अपनी कलर है, अपनी चीज़ें हैं, कर सकते हैं, बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं सब टाइटल। अब टाइटल जो है एक्सिस का, यहाँ पे जो यहाँ सेल्स दिख रहा है आपको, ये आपका मंथ दिख रहा है, ये भी एक तरह का टाइटल है, तो आप इसको भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आती है सीरीज। सीरीज जो ये लाइनिंग दिख रहा है दैट कॉल सीरीज, सीरीज में हमारा सेल्स है। अभी क्या है कि सीरीज में हो सकता है कि दो तीन चार पांच कॉलम भी होते हैं, तो फिलहाल तो मेरा एक ही है, तो यहाँ पे सेल्स आया हुआ। सेल्स में फॉर्मेट है कि फिल ऑटो है, मतलब कि कलर जो इसका ऑटो कलर है, आप चाहो तो अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं। इसकी फिल कैपेसिटी 100% रखना है, 30% रखना है, और यहाँ पे इसका बॉर्डर कलर भी, लाइन कलर जो होता है वो हो गया, लाइन का स्टाइल कैसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर रेड कलर कर देता हूँ तो रेड हो जाएगा, डॉट लाइन कर देता हूँ तो डॉट लाइन हो जाएगी, और रेड कलर बहुत ज़्यादा लग रहा है तो इसको कम कर सकते हैं, तो हल्का सा एक कम भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लेक्सिस आपका लेफ्ट में चाहिए राइट में चाहिए, ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अब आता है फॉर्मेट डेटा पॉइंट। अगर इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे आप जो है अपना डेटा पॉइंट को फॉर्मेट कर सकते हो, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि भाई फरवरी का जो सेल है, फरवरी जो है उसका कुछ और दिखना चाहिए, तो फरवरी के क्लिक करके हम ओके करते हैं तो यहाँ फरवरी का स्पेशली में अलग कलर कर सकते हैं, समझे। यहाँ से जब कलर लेते हैं आप तो क्या होता है कि ओवरऑल जितने भी सीरीज है सबका चेंज होता है। देखिए मुझे एक पर्टिकुलर सीरीज जैसे जैन फाइव मैच पांच आ रहा है उसका चेंज करना है, तो यहाँ पे दिखेगा एड डेटा पॉइंट। जब एड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि कौन सा चाहिए आपको, कौन से मंथ का, जैसे जून का चाहिए तो जून का सेलेक्ट करूंगा एंड ओके करूंगा, तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से जून का जो कलर सेलेक्ट करना है वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, समझे सर। वन बाय वन करना होगा सर, एक्सेल में सेम ही होता है सर। अब एरर बार आते हैं तो इस तरह से ऊपर हम एरर बार ऐड कर सकते हैं, इस तरह से कभी कभी इसकी जरूरत, ये दिखाता है आपको साइड में ये ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा। इसका परसेंट आता है, जैसे यहाँ पे कॉन्स्टेंस ऐड करना है एरर बार में, अगर मैंने कर दिया पांच तो ये पांच लाइन ऐड हो जाएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है ना सर कि एक्सेप्शन होते हैं, जैसे आप अगर क्यूसी टीम में है कुछ चेक कर रहे हैं राइट, तो
तो उसमें क्या होता है कि आपका 5% एरर जो है वो चलता है जब आप डेटा एंट्री कर रहे हैं सर, तो 5% एरर आपका चलता है, 5% से ज़्यादा हो तो दिक्कत होगा, तो एरर बार सेट कर देते हैं ताकि पता चलता है कि हाँ यहाँ तक सही है, इतना गलती हो सकती है। हालांकि इसका यूज़ हमेशा नहीं करते, लेकिन हाँ डेटा लेबल यूज़ कर सकते हैं। डेटा लेबल का जो कलर है, डेटा लेबल जो है उसको अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, उसकी डेटा लेबल की जो कलर है वो कलर अपने हिसाब से कि जो रखना है रख सकते हैं, और जो फॉर्मेट हो गया, जो फॉर्मेट साइज हो गया, मैं मान डेटा लेबल की साइज बढ़ा देता हूँ तो बढ़ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ परसेंटेज कर दी तो यहाँ पे परसेंटेज में आ जाएगा, तो नंबर फॉर्मेटिंग होता है कि अगर कुछ और है तो कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कस्टम फॉर्मेट वगैरह इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अदर कस्टम फॉर्मेट में आएंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया 0 और यहाँ डाल देता हूँ यूनिट, और इसको अप्लाई करूँगा तो देखिए नंबर के साथ साथ यूनिट भी लग किया है। 0 मतलब नंबर, जो नंबर है वो शो हो, और यूनिट यूनिट प्रीफिक्स सफिक्स लग गया उसके बाद लग जाएगा। 0 मतलब अगर जो नंबर है वो नंबर शो करेगा, 0 के बाद क्या लास्ट में या पहले से कुछ लगाना चाहते हो, जैसे एमआरपी लगाना चाहते हैं तो इसके आगे लगा दीजिए एमआरपी, बाद में लगाना चाहते हैं तो कुछ लगा दीजिए, जैसे मैंने लगा दिया था यूनिट तो बाद में यूनिट लग गया, तो पहले 0 से पहले एमआरपी लगा लीजिए यहाँ पे देखिए। हाँ नहीं, इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, हाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल, ठीक है। ये चीज मैं बताऊंगा आगे, ये आपकी फॉर्मेट में आएगी चीज, ठीक है। ओके उसके बाद आता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन एक तरह से लाइन क्रिएट करता है कि आपका सेल का किस तरह से आपका ट्रेंड क्या चल रहा है। लीनियर है आपका, बढ़ते से घटते क्रम, मैंने बढ़ते क्रम में इसमें अगर एक्सपोनेंट करते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये तरीके होते हैं, पॉलीनोमियल हो जाता है इस तरह से पॉलीनोमाइज करता है। एवरेज है, मोस्टली लोग मूविंग एवरेज लेते हैं तो इस तरह से मूविंग एवरेज निकाल के एवरेज करता है, ठीक है। और उसके यहाँ पे कलर है कि किस कलर का होना चाहिए, और कलर आप डिसाइड कर सकते, और यहाँ पे पीरियड है, मैं यहाँ पे 6 कर दूँ तो नहीं, 3 3 पीरियड दिखाएगा, जितने पीरियड है उतने पीरियड आपको दिखे यहाँ पे दिखेगा, उतने पीरियड से शुरू होगा, 2 कर दीजिए तो 2 दिखेगा। लाइन को पीछे मैं एक बार, लाइन कितना दिखना चाहिए, 90% करता हूँ तो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, साइज क्या होना चाहिए तो उतना मोटा हो जाएगा, क्या पीरियड, हाँ तो पीरियड मतलब दूसरे से स्टार्ट किया, अगर 3 करूंगा 3 पे दिखाएगा, या देखिए एक दोनों तरफ एक छोड़ दिया, क्यों दिखा रहा है, देखिए 2 से शुरू हो रहा है ना, ये हमेशा 2 से ही शुरू होता है सर, पहले पे नहीं दिखेगा तो नहीं दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा, डेटा ही नहीं ना, 1 2 3 4 5 6 तक ही है ना सर, 5 इसमें 4 कीजिए तो दिख रहा है ना आपको, इसका अंदर अपना सेटिंग है, उस सेटिंग के अकॉर्डिंग वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेबल आता है, लेबल करते हुए ऊपर 10 लाइन का लेबल दिख जाता है, नहीं तो आप नन कर दीजिए तो नन हो जाएगा, नहीं दिखेगा। ऊपर में जो 10 लाइन का लेबल, जैसे कि किसका क्या कलर है वो दिखता है, सेल का एक कलर है, 10 लाइन का एक कलर है, देखा होगा ना मैप वगैरह में आपने। उसके बाद इसमें अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका लेजेंड, ठीक है। लेजेंड अब यहाँ पे क्या है, पोजीशन हमारा ऑटो है, अगर मैं इसको करता हूँ टॉप में तो टॉप में आ जाए,
सेल्स दिख रहा है, जो सेल्स दिख रहा है इसको कहते हैं लेजेंड। इसको बॉटम कर दिया तो बॉटम में, लेफ्ट कर दिया तो लेफ्ट में, राइट कर दिया तो राइट में, और नन कर दीजिए तो दिखेगा ही नहीं। और इसकी फॉर्मेटिंग है, अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसका फॉर्मेट है, कि यहाँ पे जो फॉन्ट की साइज क्या होनी चाहिए, तो साइज होता है इसका, कलर क्या होना चाहिए आप कलर डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर करना है रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल होता है। अब वर्टिकल की बात करते हैं, तो वर्टिकल में सेम, ये जो आपका वर्टिकल उसमें भी सेम होता है। लेकिन हाँ, लेकिन इसमें एक चीज है कि आप यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे सो सो लाइन एक्सिस, तो ये लाइन भी दिखेगा और जब लाइन नहीं दिखेगा। और यहाँ मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम एक होना चाहिए और मैक्सिमम मैंने बोला कि 150 होना चाहिए। तो देखेंगे 150 यहाँ पे आ गया। उसके बाद आता है स्केल फैक्टर, तो यहाँ पे 100 है, समझना है सर। ये स्केल फैक्टर अभी क्या है, 0, 50, 100, 150 है ना, 100 का दे दीजिए तो इस तरह से आएगा। हाँ, इसमें अगर मैं 1000 कर दिया तो डेसिमल में आ गया, जिसमें बढ़ेंगे तो डेसिमल होता जाएगा, मिलियंस में जाता है। मैं डाइवर्ट 1000 हमने कर दिया ना सर, तो 1000 हो गया। मैं इसमें यहाँ पे एक बार वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 1000 दूंगा तो 1 दिखेगा, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, उसी हिसाब से चला। अब यहां आते हैं हम इसमें कस्टमाइज में वर्टिकल एक्सेस में। अब मैं यहां पे ये जो जीरो किया हुआ ना, इसको मैं 0 to 15,000 कर देता हूँ। अब दिखा सर यहाँ पे, समझ आया कुछ कि नहीं। तो इसका यूज कब करते हैं, जब आपका डेटा बिलियंस में होता है, जो समझने में दिक्कत होती है, तो लॉन्ग स्केल करेंगे तो ये लॉन्ग स्केल आएगा, छोटा स्केल करेंगे तो छोटा आएगा, ठीक है। और इसके बाद इसकी अपनी एक फॉर्मेटिंग है, वो फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे यूज कर सकते, नंबर फॉर्मेट। अब इसमें आता है ग्रिड लाइन, ये जो लाइनिंग दिख रही है ना, इसका यूज। तो वर्टिकल एक्सिस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करें, मेजर टिक दिख रहा है आपको, यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा लाइन आ जा रहा है। और यहाँ पे वर्टिकल करते हैं तो वर्टिकल में हमारा वर्टिकल एक्सेस में मेजर ग्रिड लाइन में कुछ खास नहीं होता, ऑटो रहता है इसमें, और कुछ है नहीं। यहाँ पे माइनर गाइडलाइन कर दे, यहाँ पे मेजर ट्रिक्स आ जाता है, कितना होना चाहिए क्रॉस वगैरह, मेजर ट्रिक में यहाँ पे इस तरह का स्केल बन के आ जाता है, और खास बाकी आप यूज कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो फटाफट आप क्या कीजिए, 5-7 चार्ट बना के मुझे भेजिए, कल हम बात करेंगे बार चार्ट के, बार चार्ट और कॉलम चार्ट में, और आगे हम बात करेंगे कॉलम स्टैक चार्ट, 100% चार्ट, बार चार्ट, इन सबों के बारे में कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चल मिलते हैं कल सेम टाइम।